Hello everyone, today we are going to discuss a topic of patent act, that is patentability criteria. Patentability criteria क्या होता है इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं. तो patentability criteria की अगर हम बात करें तो patentability criteria में जो बात आएगी वो ये है कि जब आप कोई भी चीज़ का पेटेंट करवाते हैं तो पेटेंट करवाते टाइम आपको कौन सी चीज़ होती है उसका ध्यान रखना जरूरी है. तो इसमें बात करी है कि जो अपना डेफिनेशन क्लॉज है उसमें बता रखा है कि जब आप पेटेंट करवा रहे हो किसी चीज़ का तो उनके लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, कैसे कैसे किस चीज़ का पेटेंट क्या हो सकता है. तो जो सेक्शन 2 है पेटेंट एक्ट 1970 का, उसमें ये बात कर रखी है कि पेटेंटबिलिटी क्राइटेरिया क्या है. तो पेटेंटबिलिटी क्राइटेरिया के लिए हमको सबसे पहले इस जो सेक्शन क्लॉज है, जो पूरा अपना डेफिनेशन क्लॉज है, इसके अंदर बात करिए. सिर्फ चार डेफिनेशन हमारे काम की है. चार डेफिनेशन में पहली डेफिनेशन आती है कि जहाँ वर्ड डिफाइन है पेटेंट, कि पेटेंट क्या होता है. तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि पेटेंट क्या होता है. तो सेक्शन 2M में जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि पेटेंट क्या होता है. तो पेटेंट जो है वो होता है कोई भी इन्वेंशन के लिए कोई ग्रांट हो रहा है पेटेंट, तो वो पेटेंट कहा जाता है. सेक्शन 2 की जो लाइन है वो ये है कि एनी पेटेंट पेटेंट फॉर एनी इन्वेंशन ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट, कोई भी इन्वेंशन के लिए अगर ग्रांट हो रहा है तो वो पेटेंट है. फिर बात आती है कि एक वर्ड आया इस डेफिनेशन में इन्वेंशन, तो हमको इन्वेंशन वर्ड पढ़ना पड़ेगा. तो इन्वेंशन वर्ड जो है वो बात करता है सेक्शन 2J में, उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी प्रोडक्ट या प्रोसेस जो इन्वॉल्व करती हो इन्वेंटिव स्टेप्स और जो केपेबल है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए. अब यहाँ पे जो डेफिनेशन है वेयर एक्ट की, वो यही बात कर रही है कि एनी प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एनी इन्वेंटिव स्टेप एंड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. तो इन्वेंटिव स्टेप और केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, अब ये दो नए वर्ड्स हमारे पास आए हैं. ये दोनों भी वेयर एक्ट के सेक्शन 2 में ही डिफाइन है. तो इन्वेंटिव स्टेप की जो बात करी है, ये बात करी है सेक्शन 2JA में, जो कि 2002 में अमेंडमेंट्स ऐड हुआ था. उसमें ये बात करी है कि इन्वेंशन दैट इन्वॉल्व्स टेक्निकल एडवांस एज कम्पेयर टू द एग्जिस्टिंग नॉलेज और हैविंग इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस और बोथ. तो ये बात कर रहा है कि कोई भी ऐसी एडवांसमेंट इन द टेक्निक, अगर टेक्निक में कोई चीज़ एडवांस हो रही है और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उससे ज़्यादा हो रही है और उसमें इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी हो रहा है. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का मतलब है कि पहले जिस चीज़ को कॉस्ट जो आ रही थी अगर उस चीज़ का यूज़ लेने में, अगर उससे वो कम हो रही है. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस का मतलब यही है कि मॉनेटरी वैल्यू में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ना चाहिए. तो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात यही है कि आपकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसका यूज़ करने से, आपकी नई इन्वेंशन का यूज़ करने से उसकी जो मनी का वैल्यू है वो कम हो रहा है. मतलब यूज़ करने के लिए आपको जो चार्जेस लगाने पड़ रहे हैं उस चीज़ के लिए वो कम लगाने पड़ रहे हैं. और दूसरी है एग्जिस्टिंग नॉलेज की, जो अभी प्रेजेंट में मेरे पास जो नॉलेज है उससे ज़्यादा एडवांसमेंट आया है. सपोज़ मान लीजिए आप कोई पेन बनाते हैं और अभी जो जैसे पेन करंट में पेन चल रहे हैं वो ये है कि आप एक सिंगल टाइप का पेन है या फिर चार तरह के पेन, मतलब एक पेन में चार रिफिलें डाल सकते हैं और चार कलर से आप लिख सकते हैं. लेकिन अगर आप एक ऐसा पेन इन्वेंट कर दें कि आप कलर का नाम बोलिए और वो उस कलर का आपको लिखने को लिख देगा, उस पेन से लिखा जा सकता है उस पेन से. तो अगर आप कोई ऐसा पेन बना रहे हैं और उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी, अगर एग्जिस्टिंग नॉलेज में ही एडवांसमेंट हो रहा है या फिर इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, दोनों में से कुछ भी एक चीज़ हो रही है, तो उसके लिए ये माना जाएगा कि ये एक इन्वेंटिव स्टेप है. एंड दैट मेक्स द इन्वेंशन नॉट ओबियस टू द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट. और जो पर्सन अभी प्रेजेंट में स्किल है उस आर्ट में, सपोज मान लीजिए पेन बनाने वाले लोग हैं अभी भी और उनको स्किल्ड है उनके पास पेन बनाने की, लेकिन उनकी स्किल्स में कोई चेंज हो ही नहीं सकता क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्किल थी वही की वही स्किल अभी भी यूज़ हो रही है, तो ये इन्वेंटिव स्टेप नहीं कहलाएगा. तो अगर इन्वेंटिव स्टेप कहलाना है अगर कोई भी चीज़ प्रोडक्ट के लिए जिसका आपको पेटेंट चाहिएगा, तो इन्वेंटिव स्टेप के लिए आपको चाहिए कि वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें टेक्निकल एडवांस होना चाहिए एग्जिस्टिंग नॉलेज में, जो प्रेजेंट में चीज़ है उसमें कुछ एडवांसमेंट हो टेक्निक में उसकी में, और उसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो, और या फिर वो दोनों हो, या फिर और साथ में ये भी चाहिए कि वो जो इन्वेंशन है वो ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए. ऑब्वियस का मतलब ये है कि प्रेजेंट में जो लोग उस चीज़ को बना रहे हैं उनकी स्किल्स में कुछ ना कुछ एडवांसमेंट होना चाहिए. यह नहीं है कि जो उनकी स्किल्स अभी चल रही है वैसे की वैसे स्किल्स चले, उनकी स्किल्स में भी एडवांसमेंट होगा तब जाके ये माना जाएगा कि ये इन्वेंटिव स्टेप है. फिर जो इन्वेंशन की डेफिनेशन थी उसमें दूसरा वर्ड था केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल. तो ये जो केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है ये सेक्शन AC सेक्शन 2AC में डिफाइन है केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. तो उसमें बता रखा है कि रिलेशन टू एन इन्वेंशन, इन्वेंशन के रिलेशन में, मीन्स दैट इन्वेंशन इज केपेबल ऑफ बींग मेड और यूज इन एन इंडस्ट्री. कोई भी ऐसी इन्वेंशन जो मेड मतलब बनाई जा सकती है या फिर यूज कोई भी काम में लिया जा सकती है कोई भी इंडस्ट्री के लिए. तो अगर जैसे हमने पेन का एग्जांपल लिया तो पेन हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री में बिल्कुल काम आने वाली चीज़ है और वो बनाई भी जा सकती है अगर दोबारा वैसा प्रोडक्ट वैसी चीज़, तो वो एक कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होगा.
पेटेंटेबिलिटी जो क्राइटेरिया है इसके अंदर सिर्फ ये चार डेफिनेशन आएंगी, सेक्शन 2M की पेटेंट, सेक्शन 2J की इन्वेंशन, सेक्शन 2JA जो 2002 में ऐड हुआ था इन्वेंटिव स्टेप, उसमें दो चीज़ हैं कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और दूसरी है जो इन्वेंशन है उसमें है कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन और इन्वेंटिव स्टेप, और इन्वेंटिव स्टेप जो सेक्शन 2J में है डिफाइन है, 2JA में इन्वेंटिव स्टेप उसमें बता रखा है कि आपका टेक्निकल एडवांसमेंट होना चाहिए और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होना चाहिए और साथ में ऑब्वियसली होनी चाहिए प्रेजेंट स्किल के साथ। फिर बात कर रही कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन जो सेक्शन 2AC में डिफाइन है, 2AC जो है वो 2002 के अमेंडमेंट से ऐड हुआ है और इसमें बता रखा है कि कोई भी आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसमें मेड हो सकता है और यूज हो सकता है किसी भी इंडस्ट्री में, वो आपका कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है। ये पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें आप कुछ इलस्ट्रेशन डाल सकते हैं, ये पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया होता है। थैंक यू वेरी मच।